दोस्तों जंगल में जानवरों का कोई कायदा और कानून नहीं होता है। जंगल में जो ताकतवर होता है जीत उसी की होती है। कई बार जानवर अपनी ताकत के गुमान में डूबकर कुछ ऐसे जानवरों से टकरा जाते हैं जिनसे असल में उन्हें मुकाबला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल में कभी कभी छोटे जानवर बड़े जानवरों से बाजी ले जाते हैं। जानवरों की दुनिया में होने वाले कुछ ऐसे ही वाकयात आज आप इस वीडियो में देखेंगे। When animals messed with wrong opponents part 2। सब्सक्राइब करें इल्म एचडी टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्रोकोडाइल वर्सेस विल्डबीस्ट। दोस्तों मगरमच्छ को नदी और तालाबों का बादशाह कहा जाता है। पानी पीने के लिए जो भी जानवर नदी के पास जाता है तो वो उसे अपना शिकार बना देता है। मगरमच्छ हमेशा से अपने आप को पानी में छुपा के फुर्ती के साथ हमला करता है। उनके जबड़ों में अगर कोई जानवर आ जाए तो उसे छुड़वाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इस वीडियो में कुछ विल्डबीस्ट पानी पीने के लिए नदी के पास जाते हैं और वहाँ वो मगरमच्छ अपने शिकार की तलाश में इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो मगरमच्छ उनमें से एक विल्डबीस्ट पर जोरदार हमला करता है और उसे पानी में लेके जाता है। ये सब कुछ देखकर हिप्पोस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए विल्डबीस्ट अपने आप को मगरमच्छ के हमले से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। हिप्पोस ने विल्डबीस्ट को चारों तरफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की और उसे नदी से निकालने में मदद की। एंग्री टाइगर वर्सेस मैन। दोस्तों टाइगर्स को दुनिया में पाई जाने वाली बड़ी बिल्लियों में से माना जाता है। टाइगर खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत खतरनाक जानवर माना जाता है। दोस्तों ये जानवर अकेला दिन और रात दोनों में शिकार करता है। टाइगर अपने भारी जिस्म और नुकीले दांतों की मदद से बड़े जानवर का शिकार कर सकता है। इस वीडियो में एक जू में टाइगर नींद में होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आदमी टाइगर के बच्चे को दूध पिलाता है। न जाने इसके दिमाग में क्या सोचा कि इसने सोए हुए टाइगर को दूध पिलाना चाहा, जिसको देखकर टाइगर को काफी गुस्सा आता है और उस आदमी पर अटैक करता है। खुशकिस्मती से वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि टाइगर आज मूड में नहीं है। डॉग वर्सेस कैट। दोस्तों आपने कभी ना कभी ये देखा होगा कि जब भी कोई कैट डॉग के सामने आती है तो डॉग उसे बर्दाश्त नहीं करता और उसे वहाँ से भगाता है और मारता है। इसमें कोई शक नहीं कि कुत्ता खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। बहुत सी बिल्लियाँ कुत्तों को देखकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी बिल्लियाँ डॉग्स का मुकाबला करती हैं। इस वीडियो में एक बिल्ली दो कुत्तों पर भारी पड़ जाती है, जिससे डॉग्स इस खतरनाक बिल्ली से डरने लगते हैं। इस वीडियो में भी कुत्ता बिल्ली से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। स्नेक वर्सेस मोंगूस। दोस्तों सांप को दुनिया का खतरनाक जहरीला जानवर माना जाता है और यही वजह है कि दुनिया में हर साल 50,000 लोग सिर्फ स्नेक बाइट से मर जाते हैं। खतरनाक से खतरनाक शिकारी इस जानवर से दूर रहना ही अपनी भलाई समझते हैं। एक जहरीला सांप मिनटों में किसी भी जानदार को मौत की नींद सुला सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नेवले की तो ये सांप का सबसे खतरनाक दुश्मन माना जाता है। दोस्तों जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं तो मरते दम तक लड़ाई जारी रखते हैं और इनमें से सिर्फ एक ही जानवर होता है जो अपनी जीत की खुशी मनाता है। नेवला हमेशा से सांपों का शिकार करते हैं। ये बड़े से बड़े जहरीले सांप को मिनटों में खत्म कर देते हैं। नेवले के जिस्म में सांपों की जहर का कोई असर नहीं पड़ता और यही वजह है कि नेवला सांपों से हमेशा बाजी ले जाता है। इस वीडियो में नेवला और सांप अफ्रीका के जंगल में आमने सामने आए और सख्त लड़ाई जारी रखी। एक तरफ दुनिया का खतरनाक सांप ब्लैक मांबा था तो दूसरी तरफ उसका बदतरीन दुश्मन नेवला। इस मैदान में नेवले और सांप की बहुत दिलचस्प और लंबी लड़ाई चली। नेवले ने अपनी तेज फुर्ती और चालाकी से सांप के हमलों से बचता रहा। इसने सबसे पहले सांप को परेशान किया और फिर वो अपने नुकीले दांतों से उसको जख्मी करता रहा। बड़ी लड़ाई के बाद उसमें भी वही हुआ जो हमेशा होता है, नेवले ने सांप को मार दिया। हनी बजर वर्सेस लायन। दोस्तों हनी बजर बहुत दिलेर जानवरों में से एक है।
ये छोटा दिखने वाला जानवर खतरनाक जानवरों के सामने हमेशा अपनी स्ट्रगल करता है। इसका डिफेंस जानवरों की दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ये जानवर किसी से भी नहीं डरता और ये अफ्रीका का टफेस्ट एनिमल माना जाता है। इसका सेल्फ डिफेंस कुछ इस तरह है कि ये पीछे से वेस्ट मटेरियल निकालता है जो कि काफी बदबूदार और इरिटेटिंग होता है, जिससे खतरनाक शिकारी जानवर इससे दूर रहना ही अपनी भलाई समझते हैं। इस वीडियो में एक भूखा शेर जो कि हनी बजर को खाना चाहता था, वो हनी बजर पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर हनी बजर उस शेर से नहीं डरता और दिलेरी के साथ मुकाबला करता है। शेर उस पर कई बार अटैक करने की कोशिश करता है, मगर हर बार हनी बजर इसको मुंह तोड़ जवाब देता है। शेर को नहीं पता था कि छोटे दिखने वाले इस जानवर पर अटैक करना मुश्किल हो सकता है। आखिरकार बहुत देर के बाद शेर की हिम्मत जवाब दे गई और शेर ने मजबूरन हनी बजर को जाने दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और हमें अपनी सपोर्ट दीजिए। ईगल वर्सेस स्नेक। दोस्तों, ईगल को सबसे खतरनाक परिंदों में से एक माना जाता है। इसका अटैक कभी भी खाली नहीं जाता। इसको किंग ऑफ स्काई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी तेज रफ्तार और बड़े नुकीले पंजों से किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी परिंदा इससे उलझने की कोशिश नहीं करता है। ईगल बड़े से बड़े जानवर को अपने पंजों की मदद से उठा सकता है और उसे आसमान की हाइट से फेंक कर मार देता है। इस वीडियो में एक बाज ने अपने मजबूत पंजों से सांप को पकड़ कर रखा हुआ है। ये सांप अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाज की पकड़ बहुत मजबूत थी। यहाँ ये सांप बाज से जंग हार जाता है और सांप को वो अपने पंजों से मार देता है। पेलिकन वर्सेस पिजन। दोस्तों, पेलिकन एक बड़ा परिंदा है जो कि अपनी बड़ी चोंच की वजह से मशहूर है। ये परिंदा एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के अलावा दुनिया में हर जगह पाया जाता है। ये ज्यादातर जजीरों, नदी और तालाबों के आसपास पाया जाता है। ये अपनी बड़ी चोंच की वजह से खतरनाक परिंदा माना जाता है। पेलिकन हर उस परिंदे का शिकार करता है जो उसकी चोंच में फिट आ सके। ये परिंदा मछलियों, कछुए और परिंदों को खा सकता है। इस वीडियो में एक अम्यूजमेंट पार्क में पेलिकन्स के सामने कुछ कबूतर दाना खा रहे थे। उनमें से एक पेलिकन बहुत भूखा था, जिसने एक कबूतर को खाने की कोशिश की। इसने सारे कबूतर को अपनी चोंच के अंदर चबाना शुरू कर दिया था। कबूतर ने बहुत बार उसकी चोंच से भागने की कोशिश की, मगर पेलिकन की चोंच बहुत बड़ी थी। उसने डकार लगाए बगैर ही सारे कबूतर को खा लिया। दोस्तों, सच में ये परिंदा काफी डरावना है। उम्मीद है आपको वीडियो का पार्ट 2 जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो का पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।